Hello student, today I want to tell you something about the special programs of poverty elevations. की रियल में हमारी गवर्नमेंट ने कौन कौन से मेजर्स जो है अडप्ट किए हैं पोवर्टी एलिवेशंस के लिए, तो उसमें सबसे पहला आता है हमारा स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। ये एक प्लानिंग है जो गवर्नमेंट के थ्रू जो है वो प्रिपेयर की गई है। इट इज़ स्टार्टेड फ्रॉम 1 अप्रैल 1999। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव टू इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरिया। रियल में रूरल एरिया का एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट हो, एटलीस्ट उसी प्लानिंग उसी ऑब्जेक्टिव के थ्रू ये प्लानिंग प्रिपेयर की गई थी। इस प्लानिंग में कुछ अदर प्लानिंग्स को जो है वो मिला दिया गया था और उसके बाद ये प्लानिंग जो है वो प्रिपेयर की गई थी पोवर्टी एलिवेशन के लिए। इसमें कुछ मल्टी ऑब्जेक्टिव्स जो है प्रोग्राम्स वो स्टार्ट किए गए थे इस प्लानिंग में, और इस प्लानिंग की जो कॉस्ट आती थी एटलीस्ट उसको जो है वो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के कॉपरेशन से जो इसको फुलफिल किया जाता था। 75% इसका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है इस प्लानिंग में, जो 75% का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, और उसके बाद जो है 25% का जो कॉन्ट्रीब्यूशन होता है वो होता है हमारी स्टेट गवर्नमेंट का होता है। तो इस प्रकार इसके कॉन्ट्रीब्यूशंस में जो है स्टेट और सेंटर दोनों की जो है वो पार्टनरशिप्स होती है। और रियल में इस प्रोग्राम का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है कि जो पुअर फैमिली है एटलीस्ट उसका जो है थोड़ा सा इकोनॉमिक स्टैंडर्ड मेंटेन करना होता है, इकोनॉमिक लेवल जो है उसको अपलिफ्ट करना होता है, उन पुअर फैमिली को जो है वो हेल्प प्रोवाइड करना होता है, उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए जो है वो इंक्रेज करना होता है, और कुछ सेल्फ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को भी इसमें इंक्लूड किया गया है। उनकी हेल्प से जो है वो कुछ मल्टीपर्पज़ जो है प्रोग्राम्स लॉन्च किए जाते हैं ताकि जो पुअर फैमिलीज़ हैं उनको कुछ लोन्स वगैरह मिल सके और कुछ इन जो है इन्वेस्टमेंट मिल सके, कुछ सेल्फ सर्विस जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनकी हेल्प से, एनजीओ की हेल्प से कुछ फाइनेंशियल हेल्प जो है वो प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट आता है हमारा नेशनल रूरल जो है लाइवलीहुड मिशंस। ये जो प्रोग्राम्स है वो लॉन्च किया गया था 2012 और 13 में। इस प्रोग्राम को जो है वो 2012 और 13 में लॉन्च किया गया था। बैकवर्ड जो डिस्ट्रिक्ट है हमारे इस कंट्री के, एटलीस्ट उन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स में इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था, और इसका भी जो मेन होता है वो होता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए प्रमोट करना, कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए जो है वो कहीं लोगों को जो है वो इनक्रेज किया जा सके, इसके लिए ये जो है प्रोग्राम लॉन्च किया जाता है। उसके बाद आता है संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, कि ये जो रोज़गार योजना जो प्रारंभ की गई है वो स्टार्ट की गई है 2001 से। SGRY जो है वो 2001 में जो है स्टार्ट किया गया था। इस प्रोग्राम का भी जो मेन ऑब्जेक्ट है ये जवाहर ग्राम जो योजना थी वो भी, और एम्प्लॉयमेंट जो है इंश्योरेंस स्कीम, उन दोनों को इसमें इंटीग्रेटेड कर दिया गया, उन दोनों को मिक्स कर करके एक सिंगल प्लानिंग प्रिपेयर की गई है, और उसका भी मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो है प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू द सरप्लस वर्कर्स, की रियल में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट करना कंट्री में, और पुअर फैमिली को एम्प्लॉयमेंट जो है अपॉर्चुनिटी वो प्रोवाइड करना, और डेवलपमेंट पे थोड़ा सा फोकस करना कि रीजनल इकोनॉमिक और सोशल कंडीशंस में जो है BPLs का थोड़ा सा कुछ इम्प्रूवमेंट हो सके, और इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी जो है वो थोड़ा सा डेवलप्ड हो सके, रोड, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, ये फैसिलिटी जो है वो पुअर फैमिली को अवेलेबल हो सके। तो इस योजना का जो टारगेट था वो था 100 करोड़ मैन जो है 100 करोड़ मैन डेज जो है लेबर वर्कफोर्स जो है उसको वो लॉन्च करना था, और नाउ इट हैज़ बीन सबमर्ज्ड इन मनरेगा। अब इसको जो है हमने मनरेगा में मिक्स कर दिया गया है। नेक्स्ट आता है हमारा प्रधानमंत्री ग्राम स्वरोजगार योजना, कि प्रधानमंत्री जो रोजगार योजना है इट इज़ स्टार्टेड, ये जो योजना है वो 2001 में लॉन्च की गई थी। प्रधानमंत्री रोजगार योजना जो है वो 2001 में लॉन्च की गई। इट्स मेन एम टू इम्प्रूविंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन रूरल पीपल्स, की रियल में रूरल एरिया की जो पॉपुलेशन है एटलीस्ट उनका लिविंग स्टैंडर्ड थोड़ा सा मेंटेन करना, उनकी हेल्थ, उनके प्राइमरी एजुकेशन, ड्रिंकिंग वाटर, हाउसिंग फैसिलिटीज़, और भी बहुत सारे जो है उनको रोड्स, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, इन सारी फैसिलिटीज़ को उनको अवेलेबल कराना, और एक सड़क योजना जो है प्रारंभ की गई थी कि जो है रूरल एरिया को अर्बन एरिया से कनेक्ट करना, ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी, वो सारी फैसिलिटीज़ का जो है इन्वॉल्वमेंट इसमें कर दिया गया था। उसके बाद आता है प्रकाश रोजगार गारंटी योजना, कि ये जो स्कीम जो है वो
और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी की गारंटी के लिए स्टार्ट की गई थी। इसमें जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है हमारी कंट्री के, एटलीस्ट वहाँ जयप्रकाश रोजगार जो गारंटी योजना थी वो कंट्री के जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें लॉन्च की गई, उसमें ऑपरेट की गई। और इस प्लानिंग का भी मेन ऑब्जेक्टिव है कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के लिए गारंटी देना। उसके बाद है स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। स्वर्ण जयंती जो शहरी रोजगार योजना है, एटलीस्ट इस योजना की जो स्टार्टिंग की गई थी वो 1 दिसंबर 1997 से स्टार्ट की गई थी। इस योजना में कुछ प्लानिंग्स जो थी उनको मिक्स कर दिया गया था कि ये जो अर्बन एरिया में जो है एटलीस्ट पॉवर्टी का एलिवेशन करना और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव था। ये जो है वो शहरों में लॉन्च की गई, शहर मीन्स अर्बन एरिया में इसको लॉन्च किया गया। इसमें 3 प्लानिंग्स को मिक्स कर दिया गया, नेहरू रोजगार योजना और है कि उसके बाद है प्रधानमंत्री समन्वित इंटीग्रेटेड जो है अर्बन एरिया का पुअर एलिवेशन जो प्रोग्राम था, NRY और UBSP जो थे दोनों ऑब्जेक्टिव जो थे वो इसमें मिला दिए गए। और 1997 को इसको इन तीनों को मिक्स कर करके जो है वो ऑपरेट किया गया। इसमें जो अर्बन एरिया में जो BPL's फैमिली है वो अनएम्प्लॉयड है, उन अनएम्प्लॉयमेंट जो है पॉपुलेशन एटलीस्ट उसको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए जो है इनक्रेज करना, पुअर फैमिली की जो फीमेल पॉपुलेशन है एटलीस्ट फीमेल पॉपुलेशन पर भी इसमें जो है वो कंसंट्रेशन अपनी डेवलप्ड की गई थी, और डेवलपमेंट ऑफ वुमन एंड चिल्ड्रन इन अर्बन एरिया उसमें भी एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। उसमें चिल्ड्रन पे और अर्बन एरिया की जो फीमेल पॉपुलेशन है उस पर भी थोड़ा सा कंसिडरेशन जो है वो क्रिएट किया गया। इस योजना में जो है वो 50% जो कॉस्ट होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू ली जाती है और 50% जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू दी जाती है। तो इसमें जो स्टेट और सेंटर की पार्टनरशिप्स होती है वो 50-50% तक की होती है। तो अर्बन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स इसी में लॉन्च कर लिया गया और द अर्बन वेजेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स जो थे वो दोनों प्रोग्राम्स जो है वो इसमें मिक्स कर लिए गए। नेक्स्ट आता है प्रधानमंत्री रोजगार योजना। कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना जो है वो 1993 में स्टार्ट की गई थी ये प्लानिंग्स, और इस प्लानिंग का भी जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो भी है कि जो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड जो पर्सन है और जो BPL है एटलीस्ट उन BPLs को जो है वो प्रमोट करना और उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए प्रमोट करना, उनको सब्सिडी देना प्रोजेक्ट में, जो भी वो प्रोजेक्ट या वो लॉन्च करें उसमें 5-15% तक की जो है उनको सब्सिडी प्रोवाइड करना, ताकि सब्सिडी से वो और ज़्यादा इंकरेज हो, मोटिवेट हो और न्यू इंडस्ट्रीज़ का सेटअप कर सकें। उसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री। की कंट्री में जो है स्मॉल और कॉटेज इंडस्ट्री जो है वो भी हमारे डेवलपमेंट के जो सपोर्टिंग पिलर्स हैं, तो BPLs उसको इजी गोइंग लॉन्च कर सके इसके लिए स्मॉल और कॉटेज इंडस्ट्री को एस्टेब्लिश करने के लिए जो है वो हेल्प दी जाती है। उसके बाद आता है मिनिमम नीड्स प्रोग्राम्स, तो ये भी पुअर्टी एलिवेशंस में थोड़ा सा हेल्पफुल रहा है। इस प्रोग्राम्स में जो है वो रूरल ट्रांसपोर्टेशंस, इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद ड्रिंकिंग वाटर, ये सभी प्रोग्राम्स जो थे वो मेन ऑब्जेक्टिव थे, टारगेट था कि भाई ये फैसिलिटी इनको, हेल्थ की फैसिलिटी, वाटर सप्लाई की फैसिलिटी, रोड्स, इलेक्ट्रिफिकेशन, हाउसिंग, इकोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट, अर्बन एरिया में ऐसा कुछ हो सके कि वहाँ थोड़ा सा एनवायरनमेंट बेटर हो। और इसमें जो है वो 20 जो आपके मल्टीपर्पज़ प्रोग्राम्स थे वो भी इसमें जो है वो इंटीग्रेटेड कर लिए गए। तो ये जो है वो मिनिमम नीड्स प्रोग्राम था कि रेप में हमारी लाइफ को सर्वाइव करने के लिए, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए पुअर सेक्शन के लिए उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, वो बेसिक रिक्वायरमेंट उनको अवेलेबल कराना गवर्नमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव था इस प्लानिंग्स के थ्रू। उसके बाद होता है 20 पॉइंट्स प्रोग्राम। तो जो 20 पॉइंट्स प्रोग्राम था उसमें कुछ 20 टारगेट्स हमारी कंट्री के जो बेसिक थे मेन, वो टारगेट्स इसमें लिए गए। और इसको जो लॉन्च किया गया वो 1982 में इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था। अब इसमें जो टारगेट्स हैं वो टारगेट्स इस स्टाइल से डिस्क्रिप्शन इसमें दिए गए हैं डिटेल में, कि रियल में वही सारा कुछ है, इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी है, इरिगेशन फैसिलिटी है, रूरल प्रोग्राम है, और उसके बाद है कि आपकी लैंड होल्डिंग जो है कैपेसिटी वो जनरेट करना, ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी देना, फॉरेस्ट और गोबर गैस प्लांट को एस्टेब्लिश करना। तो ये सारे जो थे ये 20 टारगेट्स इस प्रोग्राम्स के मेन थे। इन 20 टारगेट्स को लॉन्च कर करके पॉवर्टी एलिवेशंस की जो है वो गवर्नमेंट ने कोशिश की गई कि किसी न किसी तरीके से रूरल एरिया में एटलीस्ट जो है वो गरीबी को कम की जा सके। उसके बाद आता है मनरेगा।
तो इसको जो लॉन्च किया गया था वो 2006 में लॉन्च किया गया था, मनरेगा प्रोग्राम से लॉन्च किया गया, वो 2 फरवरी 2006 को जो है इस प्लानिंग को ऑपरेट किया गया था। ये प्लानिंग जो स्टार्टिंग में जो थी वो कंट्री के 20 बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स में इसको लॉन्च किया गया था स्टार्टिंग में, और इसका जो मेन था ऑब्जेक्टिव था वो था आपको 100 डेज का जो है वो लेबर डे अवेलेबल कराना, कि 100 दिन आपको काम के मिल सके, एटलीस्ट आप 365 आउट ऑफ 100 डेज तो आपको जो है वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिले। उसके बाद जो सेकेंड स्टेप में इस प्लानिंग को जो है वो 33 डिस्ट्रिक्ट्स में ऑपरेट कर दिया गया, उसके बाद 619, और अब यह कंटिन्यूस इंक्रीज होती जा रही है, और इसमें जो है वो फीमेल पॉपुलेशंस को भी जो है वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाई जा रही है इसके अंतर्गत। उसके बाद आता माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी, तो इसको जो सेटअप किया गया था वो 2015 में किया गया था। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि जो माइक्रो लेवल के जो एंटरप्राइजेज हैं, जो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है, वो कुछ अपना छोटा सा सेटअप करते हैं किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी को स्टार्ट करने के लिए, किसी छोटी इंडस्ट्री को सेटअप करते हैं, तो उसमें ये फाइनेंस फैसिलिटी जो है वो बहुत ही लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर यह फाइनेंस फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है। उसके बाद आता है कि इस प्रोग्राम का जो क्रिटिकल इवेल्यूएशन है कि रियल में ये जो गवर्नमेंट ने पॉवर्टी एलिवेशन के डिफरेंट टाइप्स के प्रोग्राम्स लॉन्च किए गए हैं, उसका क्रिटिकल इवेल्यूएशन है कि जो परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन है बिलो पॉवर्टी लाइन वो कंटिन्यूस इंक्रीज हो रही है कंपेरिजन देन प्रोग्राम के, वेजेज रेट जो है इसके बाद राइज हुई है। इस प्रोग्राम को लॉन्च करने के बाद जो वेजेज रेट जो पहले दी जाती थी और रिसेंट टाइम में जो दी जा रही है उसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट हुआ है, गवर्नमेंट ने एफर्ट्स लगाए हैं तो अच्छी वेजेज जो है लेबर फोर्स को मिल रही है, बट ये थोड़ा सा फेल्ड हो गया है डिज़ायर रिजल्ट लाने के कारण। तो उसमें है कि एडमिनिस्ट्रेशन की थोड़ी सी प्रॉब्लम रही है, कितनी एफिशिएंसी नहीं है हमारे स्टाफ में और इतना ज़्यादा वो नहीं है, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो गई है, अवेयरनेस नहीं है पब्लिक में कि रियल में उनके बेनिफिट के लिए गवर्नमेंट ने कौन कौन से प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं। ऑलमोस्ट जो BPLs होते हैं वो अनएजुकेटेड होते हैं, तो उन्हें गवर्नमेंट में प्लानिंग्स के बेनिफिट्स जो है उनको नहीं पता चलता है, करप्शन इतना ज़्यादा हो गया हमारे स्टेट कंट्री में कि करप्शन के थ्रू जो बेनिफिट जो रियल पर्सन को मिलना चाहिए था वो बेनिफिट्स जो है वो मीडिएटर्स खुद ही डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो जितनी भी प्लानिंग्स लॉन्च होती है 50 पैसा खर्च होता है तो 5 पैसा भी जो है जो पुअर लोग हैं उनको नहीं पहुंच पाता, इतना ज़्यादा जो रिमोट एरिया है वहाँ पर भी हाउस होल्ड की लोकेशन देखें तो अभी भी बहुत पुअर कंडीशन चल रही है, स्लम्स एरिया में रह रहे हैं, कोई हेल्थ हाइजीनिक को लेकर के कोई प्रॉपर वो नहीं है, तो पुअर जो हो रहा है वो कंटिन्यूस डे बाय डे जो पुअर होता जा रहा है और रिचर सेक्शन हो रहा, तो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज इंक्रीज हो रही है। रियल में पुअर को किस स्टाइल से डिफाइन किया गया है एटलीस्ट उसके बारे में भी कंफ्यूजन है कि आप कैलोरी को लेकर डिफाइन कर रहे हो या आप इनकम को लेकर के डिफाइन कर रहे हो या आप कंजम्पशन को लेकर के डिफाइन कर रहे हो, तो गवर्नमेंट का एक क्राइटेरिया फिक्स नहीं होने की वजह से भी जो पुअर्टी एलिवेशन प्रोग्राम का जो बेनिफिट पुअर को मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि वो उस कॉन्सेप्ट को ही नहीं समझ पा रहा है कि रियल में मैं पुअर में आता हूँ या नहीं आता हूँ, मैं पुअर हूँ या नॉन पुअर हूँ, इसकी डेफिनेशन जो है गवर्नमेंट में ने वो थोड़ी सी डिफरेंट है। अर्बन और रूरल एरिया में भी पुअर में थोड़ा सा जो है हमारी गवर्नमेंट ने डिस्क्रिमिनेशन कर रखा है। तो अगर क्रिटिकल इवेल्यूएशंस देखा जाए तो ढेरों प्रोग्राम्स लॉन्च हुए हैं, पुअर्टी एलिवेट हुई है, बट रियल में हम कहें तो आज भी 28% जो पॉपुलेशन है कंट्री की वो BPL है। इतने लार्ज स्केल पर प्रोग्राम्स लॉन्च होने के कारण भी करप्शन इतना ज़्यादा है कि कुछ प्रोग्राम्स जो है आज भी इतने बेनिफिट नहीं हुए। तो दिस इज़ ऑल अबाउट पुअर्टी। Hello student, in this topic I want to tell you something about poverty, the concept of poverty. तो according to J.L. Hansons की real में J.L. Hansons के according जो poverty है वो ये है कि having insufficient income, कि आपकी income का level बहुत lower हो and provide what and now regarded as a minimum standard of living, और real में उस insufficient income से आप अपना minimum living standard भी maintain नहीं कर पा रहे हो तो at least you have to be said poor, तो तुम poverty में आओगे। तो poverty can be measures in term of income, consumption and expenditures, कि income के level में लेकर के, consumption के level में लेकर के और expenditure के level में लेकर के, तीनों level पे जो है हमारे planning commissions ने जो है national requirement के according जो है वो poverty को calculate करने के लिए efforts लगाए गए हैं।
और अकॉर्डिंग टू डिफरेंट टाइप्स जो है वो है कि पुअर जो होता है पर डे अगर आपको 2400 कैलोरीज जो है वो रूरल एरिया में और 2100 करोड़ कैलोरी जो है आप अगर अर्बन एरिया में कंज्यूम करते हो तो यू सेट टू बी पुअर, आपको पुअर कहा जाएगा। उसके बाद ये है कि अगर आप अनेबल हो अर्न करने में कि $1.25 पर डे तो भी आपका जो इनकम लेवल है वो अगर लेस देन 1.25 पर डे हुआ तो भी यू सेट टू बी पुअर, आपको पुअर कहा जाएगा। तो इस एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग जो है वो 32.7% जो इंडियन पॉपुलेशन थी वो इसके अकॉर्डिंग जो है वो पुअर है। तो इनकम बेस्ड पुअर्टी लाइंस कंसीडर द बेयर मिनिमम इनकम प्रोवाइड टू द बेसिक रिक्वायरमेंट, कि आपके पास इतनी इनकम इतनी लोअर है कि आप अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट को भी फुलफिल नहीं कर पा रहे हो। तो पुअर्टी को टू टाइप्स से जो है इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, एब्सोल्यूट पुअर्टी एंड रिलेटिव पुअर्टी। तो एब्सोल्यूट पुअर्टी का जो साइड है इट इज़ स्टेट दैट विच पर्सन्स लैक्स रिसोर्सेज हैव टू मीट हिज फैमिली बायोलॉजिकल नीड्स, कि आपके पास रिसोर्सेज बहुत लैक्स क्वांटिटी में है, आप अपनी जो है उसकी फैमिली की बायोलॉजिकल नीड्स को भी फुलफिल नहीं कर पा रहे हो और हाई डिग्री आपके में इनसिक्योरिटी है, आप इनसिक्योर हो कि कल क्या होगा क्या नहीं होगा, और द कंडीशन इज़ लाइकली टू बी ए हेरिडिटी, ऐसी कंडीशन ऑलमोस्ट होती है हेरिडिटी की वजह से कि अगर हमारे फादर पुअर है तो हम भी पुअर होंगे, ऐसा माना जाता है अकॉर्डिंग टू दिस थीम्स। फर्दर द पर्सन मे बी नाइदर बी एजुकेटेड नॉर हैव एनी वन केयर फॉर हिम, तो इससे ही वो पर्सन जो होता है वो एजुकेटेड नहीं हो पाता है क्योंकि उसके फादर के पास भी रिसोर्सेज नहीं थे और इस प्रकार की कोई केयर भी नहीं हो पाती है। एंड मे लीव इन अ पुअर और इनएडिक्वेट हाउसिंग वर्क इन यूवन कंडीशंस, और उसके पास जो हाउसिंग और वर्क कंडीशंस होती है वो बहुत पुअर होती है। बेसिकली सर्च पर्सन मे नॉट बी एबल टू मीट फंडामेंटल कॉस्ट ऑफ लिविंग, तो आप अपनी फंडामेंटल्स जो नीड्स होती है एटलीस्ट आप उसको भी फुलफिल नहीं कर पा रहे हो। तो एब्सोल्यूट पुअर्टी का जो बेस्ट क्राइटेरिया है वो ओनली इनकम लेवल को माना गया है। रिलेटिव पुअर्टी की जो पोजीशंस होती है वो होती है कि एक पर्सन और फैमिली कैन बी एक्सप्रेस्ड इन रिलेटिंग टू द इन सोसाइटी स्पेशली इन टर्म ऑफ लिविंग और वर्किंग कंडीशंस। इसमें जो पुअर्टी को इंक्लूड किया गया वो आपकी जो सोसाइटी की क्या कंडीशंस है, आपका क्या लिविंग स्टैंडर्ड है, उसको इसमें पिक्चराइज किया गया है। कि तो जो पीपल जिनका इनकम लेवल लो है और जो अपना अनएम्प्लॉयमेंट है पुअर है, लिविंग कंडीशन बेटर नहीं है एज़ कम्पेयर टू द जो एवरेज लोग हैं उनकी इनकम लेवल लोअर है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है बिटवीन, तो उस के बीच का जो डिफरेंस होता है कि एक सेक्शन हायर है और दूसरा सेक्शन बहुत पुअर है, मिनिमम नीड्स कंप्लीट नहीं कर पा रहा, कॉस्ट ऑफ उसकी मिनिमम डाइट्स जो है वो भी फुलफिल नहीं हो रहा, पर कैपिटा कंजम्पशन जो है वो भी बहुत लोअर है, तो इसके अकॉर्डिंग वो रिलेटिव पुअर होगा। कि हमारी कंट्री ने जो डिसाइड कर दिया है उससे अगर हमारी इनकम का लेवल लोअर है तो हम पुअर ही कहलाए जाएंगे। तो उसके बाद जो आता है ये मिनिमम होता है एब्सोल्यूट पुअर्टी का, ये वाला था। उसके बाद होता है कि रियल में हमारे यहाँ पुअर्टी के कॉजेज कौन कौन से हैं, कि हम रियल में गरीब क्यों हैं। तो उसका सबसे फर्स्ट कारण है कि कंट्री में जो डेवलपमेंट, जो हमारी कंट्री का जो अंडर डेवलपमेंट की जो रेट है वो बहुत ज़्यादा लोअर है। अगर किसी कंट्री में अंडर डेवलप्ड कंट्री है, वहाँ कोई ऐसे फंडामेंटल प्रोग्राम्स पुअर्टी एलिवेशन के लिए ऑपरेट नहीं होते हैं और पॉपुलेशन का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो बहुत ज़्यादा लोअर है, तो वहाँ उस कंट्री में जो होगा वो पुअर्टी की रेट जो है वो बहुत हाई होगी। तो कंट्री का अंडर डेवलपमेंट होना, उसकी जीडीपी लोअर होना, ग्रोथ रेट लोअर होना, पर कैपिटा इनकम का लोअर होना पुअर्टी का कारण है। उसके बाद सेकंड कारण आता है कॉजेज ऑफ पॉपुलेशन, की इंक्रीजिंग पॉपुलेशन बहुत हाई रेट से हो रही है, सेकेंड हाइएस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है इंडिया, तो ज़्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से भी हेल्थ पर और अदर फैसिलिटी पर हम उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट नहीं कर पाते हैं, तो इस वजह से भी जो है वो पुअर्टी क्रिएट हो रही है। उसके बाद है लार्ज स्केल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, की कंट्री में पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट हाई है और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट की जो रेट होती है वो बहुत ज़्यादा लोअर है, मिलियंस ऑफ पीपल रिमेन विदाउट एम्प्लॉयमेंट, जो है वो अपनी लाइफ को सर्वाइव कर लेते हैं और कभी मिलती है कभी नहीं मिलती, डिफरेंट टाइप्स का अनएम्प्लॉयमेंट जो है कंट्री में वो अवेलेबल रहता है। तो अनएम्प्लॉयमेंट एक बेसिक रीज़न है पुअर्टी का, कि पीपल जो होता है बेचारा जो पर्सन अनएम्प्लॉयड है वो ऑलमोस्टली जो होता है ना तो कुछ स्किल्ड ले पाता है ना कोई और एजुकेशन ले पाता है, इस वजह से भी वो पुअर ही रहता है। उसके बाद अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, की हमारी कंट्री में जो रिसोर्सेज होते हैं
कि टेक्निकल है, साइंस है, नेचुरल रिसोर्सेज है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, ह्यूमन रिसोर्सेज है, अगर उनका बेटर यूटिलाइजेशन अगर हम नहीं कर पा रहे हैं तो रियल में वो कंट्री में पुअर्टी की जो पॉपुलेशन है वो बहुत हाई होगी। उसके बाद है कि हमारी कंट्री की गवर्नमेंट की जो ग्रोथ स्ट्रेटेजी है वो किस स्टाइल की है कि 5 ईयर प्लान्स जो है गवर्नमेंट लॉन्च कर देती है, 2 ईयर प्लान्स लॉन्च कर देती है, प्लानिंग प्रिपेयर कर लेती है, बट उन प्लानिंग की जो स्ट्रेटेजी होती है वो स्ट्रांग नहीं हो पाती है, उसके कोई सिग्निफिकेंट इफेक्ट जो है वो नहीं हो पाते हैं, वो कंट्री में प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव नहीं कर पा रहे हैं, नेशनल इनकम को जनरेट नहीं कर पा रहे हैं, तो ग्रोथ की ऐसी स्ट्रेटेजीज होती है वो भी पुअर्टी को इंक्रीज करती है। उसके बाद है इनइक्वलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस की, हमारे यहाँ जो वेल्थ का जो इक्वलिटी जो डिस्ट्रीब्यूशंस होता है वो भी बहुत ज़्यादा लोअर क्वांटिटी में, अगर हमारे यहाँ जो डिस्ट्रीब्यूशंस जो होगा वो बहुत ही पुअर तरीके से होगा। गवर्नमेंट जो है वो इनकम और वेल्थ का सेंट्रलाइजेशन हो रहा है, एक ही जगह कंसंट्रेशन हो रहा है, और गवर्नमेंट फ्यू हैंड्स में जो है मैक्सिमम रिसोर्सेज हैं, तो पर कैपिटा इनकम और लोगों की लोअर है, इस वजह से भी पुअर्टी होगी। तो अगर इनइक्वलिटी है कंट्री में तो भी होगा। उसके बाद आता है रीजनल डिस्पैरिटीज़ कि कंट्री में रीजनल डिस्पैरिटीज़ बहुत हाई लेवल पर अवेलेबल है। उड़ीसा रिमेन बैकवर्ड है, बिहार है, उड़ीसा है, ये है, और फास्ट फॉरवर्ड में आता है पंजाब, हरियाणा, गोवा, दिल्ली, गुजरात, ये फास्ट फॉरवर्ड में आता है। तो ये रीजनल डिस्पैरिटीज़ होती है वो भी पुअर्टी को इंक्रीज़ कर देती है। इन स्टेट के लोग से जो है वो पुअर रहेंगे और उन स्टेट के लोग जो है वो रिचर रहेंगे। उसके बाद इन्फ्लेशन जो होता है कि कंट्री में जो परचेजिंग पावर है वो कंटिन्यूस रिड्यूस हो रहा है, वैल्यू ऑफ मनी जो है रियल बहुत ज़्यादा इंक्रीज रिड्यूस हो रही है, वैल्यू ऑफ मनी जो है वो रिड्यूस हो रही है, और प्राइस लेवल कंटिन्यूस इंक्रीज़ हो रहा है, कमोडिटीज़ के सर्विसेज के जो प्राइस होते हैं वो कंटिन्यूस इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो इस वजह से हम हमारी जो लोअर इनकम है या रियल इनकम है उससे हम हमारी वॉन्ट्स को सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं। उसके बाद है आउटडेटेड टेक्नोलॉजी की, हमारी कंट्री में जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ज़्यादा आउटडेटेड है, और आउटडेटेड टेक्नोलॉजी से अगर प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ अगर स्टार्ट की जाती है तो प्रोडक्शन में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो पाता, इस वजह से अर्निंग सिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाता। उसके बाद आता है नेचुरल क्लेमिटीज़ की, इंडियन इकोनॉमी जो कि जो एग्रीकल्चर है वो बेस्ट डिपेंड है मानसून पे, मानसून में अनसर्टेनिटी रहती है, इनएडिकेट मानसून आता है, और सेवरल पार्ट ऑफ कंट्री के हैं वो सफरिंग कर रहे हैं या तो हाई रेनफॉल से या लोअर रेनफॉल, कहीं ड्रॉट है तो कहीं अदर नेचुरल क्लेमिटीज़ आ जाती है, तो इस वजह से भी नेचुरल क्लेमिटीज़ की वजह से भी पर्संस का जो सब कुछ होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है और वो अनएम्प्लॉयड हो जाता है। उसके बाद है शॉर्टेज ऑफ कैपिटल की, कैपिटल की प्रॉब्लम है, फाइनेंस फैसिलिटी गवर्नमेंट के थ्रू जो है वो एडिकेट अमाउंट में अवेलेबल नहीं कराई जाती है। अगर हम किसी इंडस्ट्री का सेटअप भी करते हैं तो लो लेवल ऑफ इनकम होने की वजह से हमारी खुद की सेविंग नहीं होती है, तो हम इतना इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते और गवर्नमेंट के थ्रू जो है इतनी पावरफुल अवेलेबिलिटी नहीं हो पाती है, तो इस वजह से पुअर्टी कंट्री में हाई रेट्स इंक्रीज़ हो रही है। अब होता है कि मेजर्स टू एलिवेट द पुअर्टी ऑफ इंडिया की, रियल में पुअर्टी का एलिवेशन किस स्टाइल से लिया जाता है, तो सबसे पहला है पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन कि जब तक कंट्री में पॉपुलेशन को हम कंट्रोल नहीं कर लेंगे, एक जगह से स्टेबल नहीं कर लेंगे, तब तक पुअर्टी एलिवेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पॉपुलेशन जो होती है, हाई रेट ऑफ पॉपुलेशन जो होती है वो हमारे सारा जो डेवलपमेंट जो हमारी कंट्री में एटलीस्ट जो डेवलपमेंट हो रहा है उसको वापस रिड्यूस कर देती है। तो पॉपुलेशन कंट्रोल जो है वो पुअर्टी एलिवेशन का मेन पॉइंट होना चाहिए। उसके बाद कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ रेट को इंक्रीज़ किया जाना चाहिए, ग्रोथ रेट को इंक्रीज़ करने के लिए पावरफुल प्रोजेक्ट प्लानिंग ये स्टार्ट किए जाने चाहिए, पब्लिक एक्सपेंडिचर जो है वो इंक्रीज़ किया जाना चाहिए, डिफरेंट टाइप्स के प्लानिंग प्रोग्राम्स लॉन्च किए जाने चाहिए। उसके बाद सोशल वेलफेयर एंड एम्प्लॉयमेंट की, सोशल वेलफेयर का जो है वो क्राइटेरिया थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देना चाहिए, पुअर लोगों को मेडिकल हेल्थ और ये फैसिलिटी जो है वो फ्री अवेलेबल कराई जानी चाहिए, और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को गवर्नमेंट को जनरेट करना चाहिए। मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कि कहीं अगर रिसोर्सेज हाई क्वांटिटी में अवेलेबल है तो उन रिसोर्सेज को मोबिलाइज्ड किया जाना चाहिए वन स्टेट टू अदर स्टेट जहाँ पर इनकी डेफिशिएंसी है, एटलीस्ट अगर ये रिसोर्सेज वहाँ चले जाए तो हो सकता है हमारे यहाँ पुअर्टी एलिवेशन पॉसिबल हो सके। उसके बाद इरिगेशन फैसिलिटी को जो है इंक्रीज़ किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर एग्रीकल्चर इज़ टोटली बेस्ड ऑन इरिगेशन फैसिलिटी, अगर इरिगेशन फैसिलिटी प्रॉपर अवेलेबल है तो एटलीस्ट रूरल एरिया में पुअर्टी का एलिवेशन पॉसिबल हो सकता है, तो गवर्नमेंट को इरिगेशन फैसिलिटी पर कंसंट्रेशन करनी चाहिए। उसके बाद है डिस्करेज ऑफ स्पीसीस कंजम्पशंस की, अगर जो अननेसेसरी का जो कंजम्पशंस हमारे यहाँ करते हैं रिसर्च सेक्शंस के थ्रू, तो उस कंजम्पशंस को थोड़ा सा रिड्यूस किया जाना चाहिए ये भी, और उस कंजम्पशंस को जो है वो कहीं इन्वेस्टमेंट किया जाना चाहिए। उसके बाद है लिबरल फाइनेंसिंग कि पुअर एरिया में लिबरल फाइनेंसिंग जो है फैसिलिटी वो प्रोवाइड कराई जानी चाहिए पुअर
पर्सन्स को। कुछ स्कीम्स का उनको बेनिफिट दिया जाना चाहिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ी सी लोअर होनी चाहिए, तो फाइनेंस फैसिलिटी मिलने की वजह से वो अपनी किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी को सक्सेसफुली जो है वो रनिंग कर सकता है। उसके बाद है एफिशिएंट इंप्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की, गवर्नमेंट की जितनी भी पॉलिसीज लॉन्च होती है, प्रिपेयर होती है, बहुत बड़ी अमाउंट में उन पर इन्वेस्टमेंट भी होता है, बट अगर वो ऑनेस्टली जब तक अप्रूवल नहीं होती है या ऑपरेट नहीं होती है या ऑब्जर्व नहीं होती है, तब तक उनके जो बेसिक जो रिजल्ट्स है वो बेसिक रिजल्ट जो है वो कंट्री में नहीं आ पाते हैं। तो प्लानिंग जितनी प्रिपेयर की जाती है भले कम हो बट बेटर वे में उनको ऑपरेट करना चाहिए। उसके बाद है स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल की, हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है, रूलिंग पार्टीज़ जो है, उनमें थोड़ी सी ऑनेस्टी होनी चाहिए, उनका अगर सुपरविज़न प्रॉपर रहा तो हर प्लानिंग का बेनिफिट्स हर डिज़ायर पर्सन को मिल सकता है। उसके बाद होता है कि कंट्री में सेविंग और इन्वेस्टमेंट जो है वो इंक्रीज़ करना चाहिए, सेविंग और अगर इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ हुआ तो बेटर वे में हम हमारी इंडस्ट्री को खुद भी ऑपरेट कर सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट पॉवर्टी एलिवेशन।